वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो HVDC प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं उसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। ये सभी प्रोडक्ट हमने ऑफलाइन मार्केट से खरीदा है, उसके बारे में डिटेल में बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चार कन्वर्टर हमने खरीदा है। यहाँ पर ये 100 वाट का 12 वोल्ट से 220 वोल्ट DC to DC कन्वर्टर है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं, एक के बाद एक देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट है। और इसके बाद यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर लिया हुआ है 12012 और 606 5 एम्पीयर का। सभी का प्राइस और इसका वर्किंग के बारे में देखेंगे वीडियो में आगे। तो देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे एक जिप टाइप का पैकेट, तो उसके बाद यहाँ पे दो पावर सप्लाई 33 वोल्ट का SMPS। ये डीजे लाइट के पावर सप्लाई की जगह पे यूज़ किया जाता है नॉर्मली। डीजे लाइट में 33 वोल्ट का पावर सप्लाई और 12 वोल्ट का पावर सप्लाई चाहिए होता है। तो ये जो पावर सप्लाई है, हाँ, हम यहाँ पे HVDC प्रोजेक्ट में एज ए सब स्टेशन कन्वर्टर स्टेशन यूज़ करेंगे, जहाँ पे 220 KV DC हमारा 33 KV में स्टेप डाउन होगा। यहाँ पे दो हमने इसको ख़रीदा है। सभी के प्राइस के बारे में वीडियो में थोड़े आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 20 पीस IN5408 2 एम्पीयर का डायोड नॉर्मल 12 वोल्ट रेक्टिफिकेशन के लिए AC to DC। उसके बाद कुछ ग्लू स्टिक, एक के बाद एक मैं प्राइस बता दूंगा, अभी रख देता हूँ टेबल पे। इसके बाद यहाँ पे बक कन्वर्टर 6 पीस हमारा स्टेप डाउन, इसका नंबर है LM2596 DC to DC बक कन्वर्टर। ये जो है मैक्सिमम आउटपुट में 2 एम्पीयर तक लोड ले सकता है आराम से, पीक पे 3 एम्पीयर तक चला जाता है। तो इसको आप एज ए सोलर चार्ज मोटर भी यूज़ कर सकते हैं। फिक्स्ड DC आउटपुट वोल्टेज पाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ये 6 पीस। और एक सोलर पैनल, 5 वाट का एक सोलर पैनल। यहाँ पे एक 3 पिन AC कॉर्ड टोटल हमारे प्रोजेक्ट को पावर सप्लाई देने के लिए। और यहाँ पे 6 नंबर ऑफ कैपेसिटर जो कि हमारा HVDC लिंक को फिल्टरेशन करने के लिए काम आएगा। उसके बाद ये एक फैन और ब्लेड, इसके मदद से हम विंड टरबाइन जो है उसको सिमुलेट करेंगे। और यहाँ पे 10 ओम का 1 वाट 10 पीस रेजिस्टेंस, 10 ओम 1 वाट। 2 USB लाइट जिसके मदद से हम लोड को लोड आउटपुट में जो लोड है हमारा घर पे उसको सिमुलेट करेंगे। और एक सोल्डरिंग वायर का कॉयल। और यहाँ पे 12 वोल्ट का रिले हमने काफ़ी सारा लिया हुआ है कि बहुत जगह पे काम करेंगे, जो सर्किट ब्रेकर का काम होता है रिले के थ्रू करेंगे। और यहाँ पे फिल्टरेशन के लिए इंडक्टर कॉयल हमने लिया हुआ है, ये भी हमारा जो है रेक्टिफिकेशन के बाद जो DC फिल्टरेशन करेंगे वहाँ पे काम आएगा लाइन करंट को फिल्टर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का कुछ कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे जो DC 12 वोल्ट को फिल्टर करने के लिए काम आएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ लेग्स को यूज़ करेंगे PCB को बेस से उठाने के लिए। और यहाँ पे हम फ्यूज़ 5 एम्पीयर का फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा हर स्टेप में फ्यूज़ लगाना पड़ेगा क्योंकि कहीं भी फॉल्ट होगा तो प्रोटेक्शन होगा। तो यहाँ पे इतना ही सामान था। उसके बाद हम कन्वर्टर और ट्रांसफार्मर के बारे में एक एक चीज़ों को डिटेल में जानते हैं और प्राइस देख लेते हैं। स्टॉक यहाँ पे कुछ और एडिशनल चीज़, ऐसे वायर 0.75 square mm का वायर 200 वाट का लैंप सीरीज टेस्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट में लगेगा हमारा। यहाँ पे एक होल्डर और ब्लैक टेप। तो इसके बाद हम प्राइस देख लेते हैं। हमारे पास प्राइस का जो है यहाँ पे होलसेल शॉप से हमने लिया है तो काफ़ी कम प्राइस पड़ा है, तो एक एक करके मैं बता देता हूँ। तो प्राइस तो देख लेंगे, उससे पहले हमारा जो है कन्वर्टर कैसा है थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे जो है कन्वर्टर को मैं ओपन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये जो कन्वर्टर है ये सोलर से या 12 वोल्ट बैटरी से आप इस पर इनपुट दे सकते हैं। आउटपुट में मोबाइल चार्जर हो, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, मोबाइल चार्जर कलर TV DVD मोबाइल चार्जर CFL ट्यूब LED लाइट DTH, ये सब जो भी SMPS पावर सप्लाई है या LED ट्यूबलाइट है सब चलेगा। जो भी ट्रांसफॉर्मर बेस पावर सप्लाई है वहाँ पे ये नहीं चलेगा क्योंकि इस पर आउटपुट में DC आउटपुट देता है, तो DC में जो जो चलने वाला चीज़ है वो सभी चलेंगे।
इसको आप सोलर पैनल से भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा हो सकता है, तो ये बक कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या डायरेक्ट इस बक कन्वर्टर को यूज़ करके आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं या कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल वीडियो है तो आई बटन पर दे दूंगा। तो ये कन्वर्टर के बारे में एक डिटेल वीडियो आएगा, कैसे चलाना है, कैसा कितना लोड ले सकता है। 200 वाट तक लोड ले लेता है, लेकिन 100 वाट नॉर्मली अच्छा है, इसके ज़्यादा आप लोड देंगे तो ओवर हीट होगा। तो उसके बाद ट्रांसफार्मर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये ट्रांसफार्मर जो है 5 एम्पियर में है, ये कॉमन टर्मिनल है 0 12 0 12, अगर ये तीन को आप यूज़ करें 12 0 12, और अगर आप ये कॉमन और प्राइमरी के साइड में हमारा कॉमन 200 वोल्ट 210 वोल्ट 230 वोल्ट, आपका जितना भी मतलब अगर थोड़ा सा कम वोल्टेज आ रहा है तो आप 200 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके घर में थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो 230 भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर जो है प्योर कॉपर में वाइंड है। तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमने 4 पीस कन्वर्टर टोटल लिया हुआ है। तो एक साइड से शुरू करते हैं कन्वर्टर से। तो हम पहले कन्वर्टर एक साइड से बिल में जैसे इस तरीके से शुरू करते हैं। तो पहले हमारा ये एसी कॉर्ड, ये हमारा 70 रुपीस एसी कॉर्ड 3 पिन अर्थिंग विद अर्थिंग 3 वायर। उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर 12 0 12 5 एम्पियर का 750 रुपये। उसके बाद सोलर प्लेट हमारा 80 रुपीस, उसके बाद IN5408 डायोड 20 पीस 50 रुपीस। उसके बाद 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड कैपेसिटर 6 पीस 40 रुपीस। उसके बाद फ्यूज हमारा है यहाँ पे 10 पीस 50 रुपीस, 5 रुपये करके 5 पीस। उसके बाद हमारा यहाँ पे मोटर और ब्लेड जो है दोनों मिलके यहाँ पे 15 रुपीस हुआ है, मोटर 10 रुपये और ब्लेड 5 रुपीस। और उसके बाद 10 ओम का रेजिस्टेंस 1 वाट का 10 पीस 20 रुपीस 2 रुपी पर पीस। और 12 वोल्ट DC यहाँ पे कन्वर्टर 4 पीस लिया हुआ है, यहाँ पे एक एक कन्वर्टर हमारा 260 रुपये पर पीस पड़ा है। तो यहाँ पे टोटल हमारा 1040 रुपीस। और उसके बाद हमारा यहाँ पे 1000 माइक्रोफैरड 450 वोल्ट ये वाला फिल्टरेशन कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैरड 450 वोल्ट, ये हमारा टोटल यहाँ पे 6 पीस है, 6 पीस में हमारा टोटल यहाँ पे प्राइस पड़ा है 210 रुपीस। और उसके बाद हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो है ये वाला 120 रुपीस यहाँ पे ड्राइवर ट्रांसफार्मर लिया हुआ है स्टॉक पर। उसके बाद हमारा 12 वोल्ट रिले हमारे यहाँ पे 10 पीस है, तो यहाँ पे 120 रुपीस 12 रुपये पर पीस। उसके बाद सोल्डरिंग वायर जो है 110 रुपये, यहाँ पे हमारा 50 ग्राम का सोल्डरिंग वायर है। उसके बाद हमारा यहाँ पे 2 SMPS जो 33 वोल्ट का SMPS है, जिसके आप 2 एम्पियर 3 एम्पियर तक लोड दे सकते हैं आउटपुट में। ये जो है हमारा डीजे लाइट जो होता है कलरिंग डीजे लाइट RGB लाइट, वहाँ पे पावर सप्लाई के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो डीजे लाइट रिपेयरिंग और SMPS को रिपेयर करने का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। तो ये 2 पीस लिया है यहाँ पे, यहाँ पे 2 पीस हमारा 560 रुपये पड़ा है, 1 पीस 280 रुपये पीस। हमारा बक कन्वर्टर जो स्टेप डाउन बक कन्वर्टर है LM2596 स्टेप डाउन बक कन्वर्टर, ये आउटपुट में 2 एम्पियर तक लोड ले सकता है। इनपुट वोल्टेज रेंज आपका 20 से लेके 50 वोल्ट तक ले सकता है 40 वोल्ट तक, और आउटपुट में आप यहाँ पे 0 से लेके 30 वोल्ट तक ले सकते हैं। तो इसका प्राइस पड़ा है 60 रुपीज़ पर पीस। तो यहाँ पे 6 लिया है और 300 रुपीज़ टोटल 5 पीस लिया है, बक कन्वर्टर हो गया। उसके बाद USB लाइट है 15 रुपीज़ पर पीस यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो बेस लिया है 35 टोटल 20 पीस है, 35 रुपीज़ लिया है 1.5 रुपीज़ पर पीस। और यहाँ पे उसके बाद